कहानी है, मेरा हस्बैंड की डेस्ट हो गई, मेरे बाकी लड़के की भी डेस्ट हो गई, मैं रहते हैं बहू हमारी बच्चे छोड़ के चली गई मेरे ऊपर फेंक के, अब मैं कैसे खा पाऊँ, कैसे का करूँ, मैं परेशान हूँ। मेरा बेटा बोला, मम्मी अब हमें यही काली चाय पिलाओगे क्या, मम्मी मुझे ये खाने को नहीं मिल रहा, मैंने बहुत करी, कपड़े फट गया था। बोला मम्मी मुझे कपड़े दिला दो, मैं बोली बाबू रुक जाओ, अभी काम धाम नहीं, खाने को मिल जाए यही बड़ी बात है, कपड़े कहाँ से लाऊं। पहले तो कमाते थे 10,000, अभी काम नहीं है, अभी 3,000 कमा रही हूँ, घर किराए 2,500 है, दो बच्चा को खिलाने नहीं पाती हूँ, पैसा नहीं है। हम तो अकेले काम करते हैं, दो बच्चे हैं, आदमी कर काम कर सकते नहीं है, एक हाथ एक पैर चलता नहीं है उसका। पूरे देश भर में अनलॉक की प्रक्रिया जोर पर है। पिछले 2 महीनों से सरकारों ने इस बात पर दबाव दिया है कि चीजें सामान्य हो रही हैं, पर क्या वो आखिर सच में सामान्य हो रही हैं? आज हम बात कर रहे हैं जगदम्बा कैंप में, जो दिल्ली में है, उसके काफ़ी लोगों से, जो हमें बताएंगे यहाँ के खाने के संकट के बारे में। सरकार की अहम नीतियाँ जैसे कि ई कूपन द्वारा मुफ्त राशन मुहैया करवाना और मिड डे मील्स की जो उनकी स्कीम थी, उस पर सरकार ने ताले लगा दिए हैं और चुप्पी साध ली है। जबकि ई कूपन्स फिर भी लोगों को मुहैया करवाए जा रहे हैं, पर राशन का कोई अता पता नहीं है। आज हम जानेंगे लोगों से कि इन हालात में वो किस तरह से राशन का इंतज़ाम कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी, जो जिसमें उनको किराए का संकट है, जिसमें उन्हें जॉब्स का संकट है, उसके साथ वो कैसे जूझ रहे हैं और खाने के संकट से वो कैसे डील कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल हो रही है हमारे को तो, जब से जो लॉकडाउन लगा है जब से बड़ी मुश्किल हो रही है। मैं भी काम करती थी, मेरे घर वाले स्कूल में काम करते थे, स्कूल कॉलेज बंद हो गई, उनका भी काम छूट गया, मेरा भी काम छूट गया। मैं कोठी में काम करती थी, उनको 10,000 तनख्वाह मिलती थी, उसमें से अब नहीं, सॉरी गलती हो गई, 10,000 नहीं, 9,000 तनख्वाह मिलती थी, तो 9,000 में से आधा हो गया उनका, अब नहीं मिल रही है। काम कर जाते इतने दिन के पैसे मिलते, नहीं मिलते, अब बंद है सारा। अब खाने के लिए बड़ी मजबूरी हो रही, किराए पर मकान है हमारा, किराए पर रह रहे हैं, क्या करें। सरकार से यही चाह रही हूँ राशन वोशन जैसे मिल जाएगा तो और अच्छा, थोड़ा चल भी जाएगा घर, अभी तो वैसे हम लोग इतने परेशानी में हैं, क्या बताएं। अरे इधर उधर ले दे के करी उधार, जैसे जो राशन ले आते हैं उनसे उधार भी ले ली हूँ, भी पैसे भी नहीं दी हूँ। जितने लोगों के राशन कार्ड हैं उन लोगों को तो 71 लाख लोगों को हम प्रति व्यक्ति 7.5 किलो राशन बंटना चालू हो गया दुकानों पर। जिनके राशन कार्ड नहीं है लेकिन वो गरीब हैं, उनके लिए आज मैं हम ये सोच रहे थे उनको कैसे राशन दें, उनको कैसे चिन्हित करें, कहीं ऐसा ना हो कि एक ही आदमी बार बार आके राशन ले जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड है उन्होंने राशन कार्ड पे भी ले लिया और अब यहाँ पे आके भी ले लिया। तो उसका पूरा सिस्टम हम लोगों ने बनाया है और लगभग मोटे मोटे तौर पर हमें लगता है कि 10 लाख ऐसे लोग और हो सकते हैं जिनको, जो गरीब हैं, जिनके राशन कार्ड नहीं है और जो राशन लेना चाहेंगे। तो जितने लोग ऐसे हैं जो राशन लेना चाहते हैं और जो गरीब हैं और उनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि दिल्ली सरकार की वेबसाइट पे जाके तुरंत अप्लाई कर दें, राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर दें। बिल्कुल सिंपल है, आप किसी की भी मदद ले सकते हैं, MLA की हम मदद ले सकते हैं, किसी की भी अपने आसपास की मदद ले सकते हैं, राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर दें। उससे राशन कार्ड मिलेगा मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन जब तक ये कोरोना चलेगा तब तक हर महीने आपको राशन मिलेगा, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर दें आप, और जितने लोग राशन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे उनके पास कार्ड ना होते हुए भी हम लोग उनको राशन देंगे। जो ई कूपन प्रणाली लाई थी उसके तहत ये था कि जिन लोगों के पास भी राशन कार्ड नहीं है और वो दिल्ली में रह रहे हैं वो राशन ले सकते हैं। तो उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने राशन कार्ड के लिए आवेदन का, ई कूपन के लिए आवेदन करा और बहुत सारे लोगों का ई कूपन देर सवेरे आया और लोगों को राशन मिला। अब इसमें कई प्रकार की दिक्कतें आई हैं। पहली तो ये कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ई कूपन का आवेदन किया, उनका ई कूपन का ना तो अभी तक उनका कोई ई कूपन आया। और एक और चीज़ हो रही थी कि जब हम उनका ऑनलाइन स्टेटस ट्रैक कर रहे थे तो उस पर या तो अप्रूव्ड दिखाता है या दिखाता है आत्मनिर्भर भारत जी। बीच में तो बिल्कुल था, जब एकदम
लॉकडाउन तगड़ा लगा था तो घर में कुछ भी नहीं था, तो एक बगल आटा पिसवाए से उनके घर से मैं मांग के लाई हूँ, तो उसने मेरे को एक इतनी बड़ी बाल्टी थी भर के आटा दिए, ले जाओ बच्चों को खिलाओ। अभी तो नहीं मिल रहा ढंग के, न उनको कुछ फल फ्रूट आ रहा, न कुछ खाने को रोटियाँ नहीं जुड़ रही, तो कहाँ से फल फ्रूट लाएं। कूपन वाले राशन दो बार मिला था, उसके बाद तो कुछ मिला ही नहीं। फिर वही काम करके जो होता है वही खरीद के जो भी जैसे है दो बच्चा को पाल रही हूँ। ई कूपन के दो राउंड्स चले हैं, कुछ लोगों को दो बार मिला है और बहुत सारे लोग हैं जो केवल एक बार ही ले पाए हैं, क्योंकि उनका ई कूपन देर से आया और जब तक उनको पहली बार ही मिला तब तक ई कूपन का सिस्टम बंद हो चुका था। तो इस समय पर बहुत ज़्यादा लोगों में डेस्पिरेशन है, क्योंकि कहने को लॉकडाउन खुल गया है लेकिन वो लॉकडाउन इस मायने में नहीं खुला है, ना तो लोगों की नौकरियां आई हैं, ना लोगों को काम मिल रहा है, और सबसे बड़ा सवाल ना लोगों को ठीक प्रकार से भोजन मिल रहा है जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर सरकार राशन की व्यवस्था उनके लिए सुनिश्चित करती है तो वो अपनी और चीज़ों के लिए सोच पाएंगे, लेकिन जब उनके पास राशन ही नहीं है तो वो पूरी तरीके से असहाय हो चुके हैं। और दो बार देने के बाद अब हम जैसे देख रहे हैं जिनके पास राशन कार्ड है उन्हें दिसंबर तक राशन मुफ्त में मिलने वाला है, लेकिन अब ये जो ई कूपन वाले लोग हैं वो अब कहाँ जाएं? दो महीने के बाद, दो राउंड मिलने के बाद अब ऐसा तो नहीं है कि जुलाई में उन्हें राशन की ज़रूरत नहीं है, अगस्त में उन्हें राशन की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अभी भी राशन की उतनी ही ज़रूरत है। तो ये जो एक समझ बनाई जा रही है कि अब लॉकडाउन खुल गया और सब कुछ सामान्य हो गया है, वो बिल्कुल गलत है। बच्चे स्कूल में जाते थे तो तीनों टाइम वो एक टाइम मतलब खाना मिल जाता था, तो अब घर में मतलब बनाते हैं खाना लेकिन नहीं पूर्ति पड़ पाती है इतनी, जैसे अच्छे खासे वहाँ पे खाते थे तो थोड़ा बहुत घर पे भी खा लिया थे। तीन बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, दो बच्चों को पैसा आया, एक बच्चों के नहीं आया। बच्चे स्कूल जाते थे तो तीनों बच्चे खाना पा जाते थे तो कुछ हमारी समस्या हट जाती थी, अब तो वो परेशानी मेरी चल रही है। सरकार ने अब स्कूलों में जो पका हुआ भोजन मिल रहा था लॉकडाउन के दौरान वो भी बंद कर दिया, तो जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे अभी हमने सुना रानी जी और भी कई सारे ऐसे लोग, वो लोग वहाँ से पका हुआ भोजन लेकर खा लेते थे, अब वो लोग भी वो भोजन लेकर नहीं खा सकते हैं, क्योंकि बस्तियों में हर प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग ड्राई राशन चाहते हैं, पर ऐसा भी बहुत बड़ा तबका है जो कुक्ड मील चाहता है, पका हुआ भोजन, ताकि वो खा ले, अपने बच्चों को फीड करा दे। तो उन लोगों के लिए अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है, तो भोजन के अधिकार पर एक बहुत बड़ा सवाल और निशान बना हुआ है। Thank you.